नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। ओ स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आशा करता हूँ कि आप सब बंधो जो मेरे YouTube चैनल पर हैं, सब सुखी से अपने घर में श्री राधा माधव के चरण कमलों में भजन कर रहे होंगे। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे YouTube चैनल पर अब हम श्री वृंदावन सतलीला श्री ध्रुवदास जी की जो वाणी है उसका अध्ययन और अनुवादन संबोधन आप सबको हम कर रहे हैं। तो आज हम पहले हमने 1 से 3 दोहे पढ़े थे, आज हम 3 से 6 पढ़ेंगे। तो ध्रुवदास जी कहते हैं, यह आशा धरि चित में कहते जथा मति मोर, वृंदावन सुख रंग को कहूं न पायो ओर। अतः उन्हीं श्री बनराज रानी की कृपा की आशा अपने चित्त में रखकर जथामति श्री वृंदावन की महिमा वर्णन करता हूँ, क्योंकि श्री वृंदावन की माधुरी अनंत है जिसका आज तक किसी ने और छोर नहीं पाया है। तो श्री ध्रुवदास जी महाराज इसमें कहते हैं कि जो वृंदावन धाम की महिमा है उसका कोई और छोर नहीं है, और उस वृंदावन धाम की महिमा को यदि हम समझने की कोशिश भी करें तो वो श्री राधा रानी की कृपा के बिना हो ही नहीं सकता। यह आशा धरि चित में कहते जथा मति मोर, वृंदावन सुख रंग को कहू न पायो। और आगे कहते हैं, दुर्लभ दुर्घट सब निते वृंदावन निजु भोन, नवल राधिका कृपा बिनु कही दो पावे कौन। यह परम रश्मि दिव्य श्री वृंदावन जो श्री राधा माधव युगल का निज धाम है, सबसे दुर्लभ और अगम अगोचर है। नित्य निकुंजेश्वरी श्री राधा रानी की कृपा बिना कोई कदापि इसे प्राप्त नहीं कर सकता। दुर्लभ दुर्गत सबनिते, जो ये वृंदावन धाम है बंधु, ये सबसे दुर्लभ और दुर्गत है। इसको यदि आसानी से किसी के जीवन में वृंदावन धाम का सामीप्य हो जाता है या किसी को श्री राधा रानी की कृपा से वृंदावन धाम में रहने को मिल जाता है तो वो साक्षात श्री जी की कृपा ही है, वरना ये परम दिव्य धाम बहुत ही दुर्लभ है साधकों के लिए। आगे कहते हैं, सब अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपा ते जो कछु होई सो होई। और मैं तो वैसे ही सब प्रकार से गुणहीन एवं सर्वथा असमर्थ हूँ, करुणा धाम श्री किशोरी जी की कृपा से ही जो होना है सो होगा। इसमें श्री ध्रुवदास जी ने इंगित करते हुए कहा है कि जो हम सब साधक हैं, हम तो इतने, हमारे अंदर कोई भी गुण नहीं है, हम सर्वथा असमर्थ हैं। यदि हम वृंदावन धाम की हम आशा भी करते हैं तो वो आशा ऐसे ही विफल हो जाएगी क्योंकि हमारे अंदर तो कोई ऐसा गुण ही नहीं है जो हमें वृंदावन धाम मिले या किशोर का हमें सामीप्य प्राप्त हो, गुरुओं का हमें, संतों का हमें सामीप्य प्राप्त हो। और गुरुओं का सामीप्य प्राप्त होने के लिए श्रीधाम वृंदावन का जीवन में होना आवश्यक है, और वो आवश्यकता कौन पूर्ण कर सकता है। एक किशोरी कृपाते जो कछु हो इस हो, वह बस किशोरी जी की, हमारी श्री राधा रानी की कृपा बिना कृपा से ही यह चीज़ संभव हो सकती है। तो हमने 3 दोहों का आपके सामने
संबोधन करा। आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप सब ऐसे ही श्री नव युगल किशोर के श्री चरणों में ऐसे ही ध्यान करते रहे, उनकी चरण कृपा आप तो आप सब ऐसे ही पाते रहे और उनके भजन में और उनकी स्मृति आपके जीवन में ऐसे ही बनी रहे। एक बार श्री राधा वल्लभ श्री अरविंद का कीर्तन करके आज की वीडियो का समापन करते हैं। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद्र, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद्र, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री हित हरिवंश।